इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर फाइंड द डाइमेंशंस ऑफ द गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है और इस गार्डन की लेंथ 4 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई से। हमें फाइंड करना है गार्डन की डाइमेंशंस यानी कि लंबाई और चौड़ाई या फिर कह सकते हैं लेंथ और विड्थ। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, जो भी हमें फाइंड करना है उसी को मान लेंगे एक्स और वाई, इक्वेशन भी तो बनानी होंगी ना। सो यहाँ पर डायमेंशन फाइंड करनी है तो लेंथ को मान लेंगे हम, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेंथ को मान लेंगे एक्स, लेट कर लिया, और विड्थ को लेट कर लेंगे वाई। अब बनाएंगे हम इक्वेशंस। फर्स्ट कंडीशन दी है लेंथ 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से। अगर विड्थ में हम 4 ऐड कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा लेंथ के, सिंपल सी कंडीशन है। सो लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है हमारी एक्स, ये इक्वल होगा विड्थ में अगर हम 4 ऐड कर दें यानी कि वाई में 4 ऐड कर दें। सो एक्स इक्वल्स टू में वी प्लस में 4, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड कंडीशन दी है जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर है। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये 2 (x + y) जिसमें एक्स लेंथ और वाई होती है विड्थ, ये होता है पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हाफ द पेरीमीटर, इसका हाफ होना चाहिए। हाफ अगर करेंगे इसका तो क्या करना है, सीधा हमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 यानी कि हाफ से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होने पर हमारे पास बचेगा सिर्फ x + y, यानी कि जो 36 है ये किसके इक्वल होगा, x + y के। सो सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी x + y = 36, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो भी गार्डन है उसकी डाइमेंशंस को फाइंड करने के लिए बनाना होगा हमें ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए दोनों इक्वेशंस के कम से कम हमें फाइंड करने होंगे दो दो सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बना लीजिए इस तरह के दो टेबल, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये सेकंड इक्वेशन के लिए। इसमें लेट कर लेते हैं वाई की वैल्यू 0, अगर वाई की वैल्यू 0 होगी तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पुट कर देंगे वाई की जगह पर 0, 0 को 4 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू वाई 0 पुट करने पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। इसी तरह से वाई की वैल्यू फिर से लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं वाई की वैल्यू 4, अगर वाई की वैल्यू 4 होगी तो एक्स क्या होगा, यहाँ पर पुट करेंगे 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। ये हो गए हमारी फर्स्ट इक्वेशन के दो सॉल्यूशन। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस पर। सेकंड इक्वेशन में भी आप कुछ भी लेट कर सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू, सो लेट कर लेते हैं वाई की वैल्यू 0, अगर वाई की वैल्यू 0 होगी तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, इस साइड में बचेगा सिर्फ एक्स, ये 0 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू में 36, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 36 जब हम वाई की जगह पर 0 पुट करेंगे। इसी तरह से अब की बार एक्स की जगह पर 0 पुट कर देते हैं, एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 36, क्योंकि ये तो हो गया 0, बचेगा क्या, वाई इक्वल्स टू में 36, एक्स 0 पुट करने पर वाई आ गया 36। ये हो गए हमारी दोनों इक्वेशंस के दो दो सॉल्यूशंस। अब इन सॉल्यूशंस को नेक्स्ट पेज पर ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो ये है हमारा ग्राफ, ग्राफ पर ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो भी हम ग्राफ पर बनाएंगे उसमें 1 यूनिट 4 मीटर के इक्वल है। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, जब हम 0 से 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का ही होता है वैसे ये, तो 1 यूनिट आगे बढ़ने पर 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह से एक्स एक्सिस पर और इसी तरह से वाई एक्सिस पर। सो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, तो एक्स एक्सिस ये है, एक्स की वैल्यू 4 यहां पर हो रही है और वाई की वैल्यू 0 इसी लाइन पर होगी। सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो रेड डॉट बना दिया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 0। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो गया 4 0। इसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट होगा हमारा 8 4, एक्स की वैल्यू 8, वाई की 4, एक्स की वैल्यू 8 यहां पर होगी और y की वैल्यू 4 यहाँ पर। सो ये एक दूसरे को मीट करेंगे इस पॉइंट पर, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये जो डॉट बनाया है ये है हमारा कोऑर्डिनेट 8 4। सो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट का नाम लिख देते हैं, ये हो गया 8 4। यहाँ से मैं ये 4 0 को रब कर देता हूँ क्योंकि इस पॉइंट पर आ रही है, यहाँ से रब करके मैंने 4 0 इस पॉइंट के लिए यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। दोनों पॉइंट बनाने के बाद अब एक स्ट्रेट लाइन में इन्हें ज्वाइन कर देंगे। सो ये बना देता हूं मैं एक स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू दी गई है 36, y की वैल्यू 0, सो x की वैल्यू यहाँ पर है, ये है इस पॉइंट पर है ये 36, और y की वैल्यू 0 इसी लाइन पर होती है। सो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, ये है 36 उसके बाद 0। इसी तरह से सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, सो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, यानी कि पॉइंट होगा हमारा ये इसी लाइन पर होती है x की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया हमारा सेकंड। इसके भी कोऑर्डिनेट लिख देंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 36, ठीक है, ये x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है उसके बाद y की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देंगे। सो ये ड्रॉ कर देता हूं मैं एक स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट्स के लिए।
सो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन और ये थी फर्स्ट इक्वेशन की। जहां पर भी एक दूसरे को मीट करेंगी वही होंगे इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन। सो कहां पर मीट कर रही है ये एक दूसरे को, यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है 20, तो यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे हम 20, और वाई की वैल्यू यहां पर कितनी है, वाई की वैल्यू यहां पर है 16, सो ये आ जाएगा यहां पर 16। यही होगा हमारा आंसर। लेंथ को हमने लेट किया था x और विड्थ को लेट किया था y, सो यहां पर x की वैल्यू क्या आई है, वो हो जाएगी हमारी लेंथ। x की वैल्यू आई है यहां पर 20, सो लेंथ हो गई हमारी ये 20 मीटर, और विड्थ यानी कि y की वैल्यू आई है यहां पर 16, सो विड्थ हो जाएगी हमारी 16 मीटर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।